मैं तो पहले ये सीन में ही लिखा था महेश्वरी हाउस और मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली कैसा है, बट कुछ नहीं, इट्स ये वो सीन है जिसमें शायद वो आता है, उसे पता लगता है कि एक्चुअली जो कनेक्शन मॉम के थ्रू किसी का था वो यही घर था, और बस वही यार अभी सीन हमने वही सीन किया है, एंट्री जो सीन हुई है। आई थिंक लोगों को टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ऑनेस्ट आंसर दूँ, बस भी ऑफकोर्स दिमाग में लोगों के मन में हमेशा से रहता है कि ये कपल ऑलरेडी एक डेढ़ साल से है और वो हर जगह दिखता है प्यार में है, तो लोगों को कोई नहीं चाहता कि तीसरा आदमी कोई उस कपल के बीच में आए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन मैं वो पढ़ता रहता हूँ हर बार ट्विटर में कि मेरे फैंस जो होते हैं वो लड़ते रहते हैं, तो उनके फैंस होते हैं वो लड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी है, पीपल हैव एक्सेप्टेड इट, सो आई लाइक दैट फैक्ट। इसलिए मेरे पहली पिक्चर और पहला शॉट में मैंने आई पुट इट ऑन सोशल मीडिया सेइंग दैट कि थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग मी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, येस, बट एट द सेम टाइम साहिल कैरेक्टर इटसेल्फ हैज बिकम वेरी पॉपुलर विद द थिंग दैट हाउ इट्स पीपल आर लाइकिंग इट, बी इट दे हेट इट और दे लव इट, बट वो आपके जहन में रहेगा। आई थिंक नॉर्मली एनी कोई भी टीवी शो के अंदर जब सीन्स होते हैं तो अक्सर नेगेटिव दिखाया जाता है किसी को, और एंट्री ऐसे होती है और उसके बाद कुछ एपिसोड्स के बाद वो मतलब यू नो कुछ सीन्स के बाद वो उसकी खुद की एक नेगेटिव साइड दिखाई जाती है, जैसे कि ग्रे शेड हो या कुछ हो, तो वो यू नो हाउ टिपिकल एक टेलीविजन में हमेशा स्टोरी रही है। लेकिन दिस कैरेक्टर पर्टिकुलरली हाउ कैसे एंट्री कैसे थी और कैसे पानी में से बचाता है और इज अ सेवियर, सो ये नेगेटिव नहीं है, बेस्ट पार्ट ये है। लेकिन ये ग्रे शेड ऐसा है जो इसके अपने खुद के बहुत शेड्स हैं, क्योंकि कुछ बहुत चीज़ें आपको इसके बैकग्राउंड की पता लगेगी, कुछ इसकी अपनी स्टोरी पता लगेगी, और धीरे धीरे अनफोल्ड होगा सब कुछ फैमिली के साथ कि क्या क्या हुआ इसकी लाइफ में, खुद की ज़िंदगी में, कि इतना कड़वा क्यों है। अदरवाइज ये केयरिंग है, अच्छा आदमी है, बुरा नहीं है, तो वो एक थिन लाइन मेंटेन करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी ये सोचना, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा नेगेटिव तरीके से रूड बोलता हूँ तो मैं रूड हो जाता हूँ, अगर मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ तो मैं शायद आई थिंक संस्कार की ज़िंदगी में परेशानी लाने वाला एक दूसरा पॉजिटिव कैरेक्टर, वो भी ये लोग भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, तो मैं मर्ज हो जाऊँगा। इसलिए मेरे लिए वो ग्रे शेड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल था, तो अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स नाइस, रक्षे एक है जिससे मेरी बात होती है और सबसे ही बात होती है, बट मोस्टली हमने अब वहाँ पर मेरे घर की शूटिंग ज़्यादा की है, अभी यहाँ शुरू हुआ है, लाइक 2-3 दिन हुए, अच्छा चल रहा है। आई थिंक मैकडोनल्ड्स हमारे बाहर है, वहाँ पर लोग कॉफ़ी पीने बहुत जाते हैं, तो मैं और सोरा के जो फादर बने हैं उनके साथ हम दोनों कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, तो अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छी है सबके साथ, अच्छी है, अभी से शुरुआत है। क्लियरली बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता ये फोल्ड, मतलब ये जो इसका कैरेक्टर है वो डिफरेंट ही शेड तरीके से चल रहा है, अभी जैसे सीन्स आ रहे हैं जो हो रहा है उसमें कहीं ऑब्सेसिव लेवल मुझे नहीं दिख रहा, पॉसिबली जब मुझे भी शायद एक शॉकिंग लगे जब एकदम से ऑब्सेसिव लवर लगे, बट एज ऑफ नाउ अभी नहीं है, अभी वो ऑब्सेसिव लवर नहीं है, अभी तो प्यार में भी नहीं है, अभी वो बस एक अट्रैक्शन है उसको, और हाँ उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आई नहीं बहुत वक्त से, तो शायद ये भी एक रीज़न है, तो जस्टिफाइड कैरेक्टर है डिटेल में, तो कुछ अनबन सा नहीं है, मैच नहीं कर रहा, ज़्यादा कुछ नहीं, अभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, कैच नहीं कर पाएंगे, मेरे खुद को नहीं पता लग रहा, तो आई थिंक ऑडियंस में तो लोग पहचान नहीं पा रहे होंगे कि ये कैरेक्टर है क्या। वेल ऑल टू माई फैंस एंड व्यूवर्स ऑल ऑफ देम कि आप लड़ते रहिए, स्वासन जो भी स्वरा और संस्कार की जो फैंस हैं वो लड़ना चाहते हैं, सो आप गिव अप मत कीजिए, क्योंकि मेरा कैरेक्टर आगे जाके अच्छा ही होने वाला है, बुरा होने वाला नहीं है, तो आप फिक्र मत कीजिए, आपको बुरा नहीं लगेगा, नेगेटिव नहीं होगा ये।